मेरा नाम विशेष मोदी है। क्या कहना चाहेंगे जब 7 दिन हो गए प्रदर्शन का? सर एक हफ्ता हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए, हमें कोई पूछने नहीं आया। और सर हमें पता है वो हमें पूछने क्यों नहीं आ रहे हैं सर, क्योंकि उनको पता है हमारा कसूर नहीं है, उनके ही अंदर ऑफिशल्स बैठे हुए हैं जो उनका कसूर है, इसलिए वो हमें पूछने नहीं आ रहे हैं सर। सर हम सबको पता है कि जब अंग्रेज आए थे उन्होंने जो ट्रेन्स वगैरह उन्होंने बड़ी जो है डेवलपमेंट की थी, ये हमें लगता है, लेकिन असल बात ये थी कि उन्होंने वो डेवलपमेंट अपने लिए की थी। उसी तरह सर 370 जब हटा था ना, 370 जब हटा था तो सारे खुश हो गए थे, कश्मीर वाले जम्मू वाले, कि अब हमारी देश में बहुत हमारी J&K में बहुत अच्छा होगा, हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन सर उन्होंने 370 सिर्फ अपने लिए हटाया है ताकि उनको फ़ायदा हो, वो सिर्फ J&K जो है टेरिटरी को ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए वो कुछ करके राजी नहीं है सर। J&K के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम मर जाएं उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। सर किससे डिमांड करें समझ नहीं आता, क्योंकि सर वो हमें पता है सर कि वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन गांधी जी के तीनों बंदर सर उनके अंदर आ गए हैं, ना वो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ, वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको कुछ दिख नहीं रहा। सर उनको सब पता है लेकिन उसके बाद भी वो सुन नहीं रहे, तो हम डिमांड क्या करें? हमारी डिमांड पहले दिन से क्लियर है सर कि अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं सर, यहाँ पे नहीं है स्कैमर्स यहाँ पे अगर होते ना सर किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये बोले आके कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करो। अगर किसी कोई चोर ये नहीं बोलता मैंने चोरी की है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो सर आप बताएं। इधर बैठे हुए हैं हम, फिल्टर कीजिए सर उसको, लेकिन आप फिल्टर करना नहीं चाहते क्योंकि हमारी गलती नहीं है, उन्होंने पहले सोच लिया कि हम फिल्टर करेंगे नहीं स्क्रैप करेंगे। सर हम स्क्रैप होने ही नहीं देंगे, हम यहीं बैठे हैं यहीं बैठे रहेंगे। पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि जिन पे एलिगेशन लगी है वो बोल रहे हैं हमारी वेरिफिकेशन कराओ, लेकिन जिन्होंने वेरिफिकेशन कर रही है वो डर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे वेरिफिकेशन करने से डर रहे हैं। सर मुझे ये बताइए आप स्कैमर्स को बाहर लाइए, आपको डर क्यों है एडमिनिस्ट्रेशन के बंदों को? क्या आपके अपने बंदे इसमें इन्वॉल्व है आप इसलिए डर रहे हैं? JKSSB के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दो एग्जाम जो हुए हैं FA और JKP से उनके अंडर कंडक्ट हुए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी JKSSB के चेयरमैन की है, खालिद जहांगीर की। अगर आपने एग्जाम स्क्रैप कर दिए JKPSSI का FA का करने जा रहे या नहीं करने जा रहे, तो आप जो हमारा चेयरमैन है उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? आप उसे डिमोट करते डिसमिस करते, उल्टा आपने उसको प्रमोशन दे दी, आपको प्रमोट करके DC बना दिया। एक चेयरमैन जो एक छोटे से इदारे को संभाल नहीं पाया उसने पूरी DC डिस्ट्रिक्ट संभालेगा आप, वो ये कहाँ का इंसाफ है? पहले ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए फिर बच्चों के खिलाफ। सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं और रो रहे हैं, वो रो किस लिए रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। उन्हें हार्ड वर्क पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे, उन्हें मेहनत की, अब टेस्ट क्वालिफाई किया अच्छे, और अब इनका एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि स्कैम किया। अगर हम स्कैमर होते जहाँ नहीं होते, तो सर हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ ऐसा नहीं किया, क्योंकि रो रहे बच्चे, हार्ड वर्कर जितने भी हैं सारे रो रहे, क्योंकि हमारा क्या कसूर है कि हमने मेहनत कर ली। जी सर कितने बच्चे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया? सर 1,32,000 ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से 972 पोस्ट थी। हम कह रहे हैं कि 972 की आप वेरिफिकेशन कीजिए, अगर आप स्कैमर तो है ही नहीं है कोई, अगर कुछ दिखता है तो आप उनको बार कीजिए, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हार्डवर्क किया, अपनी जवानी के 2-2 साल दिए और आज हम रोडों पे हैं क्योंकि अपना हक मांगने आए हुए, तो ये हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है।